व्यूअर्स, आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सी स्पाइसी सी चिकन सिंधी बिरयानी। और उसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हम दो मीडियम साइज़ के प्याज ले रहे हैं, हमने तीन टमाटर लिए हैं, लहसुन अदरक एज़ यूजुअल जो हर खाने में ज़रूरी होता है, और उसके अलावा बाकी हमारी ये सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें। इसके अलावा मैरिनेशन का जो प्रोसेस है वो मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ, पहले मैं इनको कट कर लूँ। व्यूअर्स, तो ये मैंने प्याज की कटिंग कर ली है, और इसके बाद जो है दूसरा स्टेप जो है वो हमारा टमाटर मैंने इसलिए थोड़े बड़े काटे हैं, और इसके अलावा लहसुन अदरक और हरी मिर्चें, बिकॉज मैंने इनको ग्राइंड करना है ताकि ग्रेवी अच्छी बने और सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें अच्छे से शामिल हो जाएं। इसके अलावा मैं चिकन को धो के उसके ऊपर जो थोड़ी मैरिनेशन भी करूँगी और मीनवाइल मसाला भी बनाऊँगी, तो साथ साथ मैं उसको भी आपको गाइड करती जाती हूँ। जी व्यूअर्स, अब मैंने ये टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट अलग बनाया है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया बिकॉज मुझे ज़रा ये थिन पसंद है। इसके अलावा धनिया की कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारे स्पाइसेस हैं चिकन मैरिनेट करने के लिए, हमने मेन जो चीज़ें डालनी हैं, और एज़ यूजुअल माय फेवरेट सिंधी बिरयानी जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और हमारे घर में ये पसंद की जाती है। वैसे तो घर के मसालों से भी बिरयानी लोग बनाते हैं, लेकिन हम लोग सिंधी बिरयानी नेशनल का ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं वो फॉलो कर रही हूँ। और वो पूरा पैकेट मैं चिकन में डाल दूँगी। 1 kg हमारे पास चिकन है, और ये हम एक सिंधी बिरयानी मसाले का पैकेट जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। इसके अलावा जो हम स्पाइसेस ऐड करेंगे वो है 1 teaspoon, ये चाट मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 tablespoon। अब इसके बाद जो है चाट मसाला मैंने 1 teaspoon ऐड किया है, और 1 tablespoon मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है खाने में। अब नमक का आपने ध्यान ये रखना है कि जब मैं चावल बॉईल करूँगी तो मैं उसमें 4 चम्मच वैसे नमक डालती थी, लेकिन अब मैं 1 चम्मच नमक जो है वो मैरिनेशन के टाइम पर डाल रही हूँ, इसलिए मैं 3 या 2.5 चम्मच जो है वो मैं चावल बॉयल करने के टाइम पर डालूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। एक लेमन जो है, छोटा लेमन जो है उसका पेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी। लेमन जूस से ज़रा अच्छा टेस्ट आता है, और वो जो एक स्पेसिफिक खटास होती है हमारे खानों में वो आएगी इससे। इसके अलावा मैरिनेशन का जो मेन इंग्रेडिएंट है दही, वो मैं ऑलमोस्ट इसमें 2 ये बड़े चम्मच जो है जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ऐड कर दूँगी। दही थिक है काफ़ी, तो बस इतना दही हमें काफ़ी होगा। अब इसको हम मैरिनेट कर देंगे। तो ये इसमें मैंने हाथ से, चूँकि अच्छा मिक्स होता है तो मैंने हाथ से इसको मिक्स किया है। बाउल थोड़ा सा छोटा है बट आई मैनेज्ड। इसके अलावा एक चीज़ जो हम भूल गए बीच में डालना वो है लहसुन अदरक का पेस्ट, वो इसमें 2 tablespoon जाएंगे, और बाकी जो है वो जब मैं फ्राई करूँगी प्याज और उसके साथ ये टोमेटो पेस्ट, तो तब वो लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। अब मैरिनेशन हम लोग, और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा उसको ग्राइंड नहीं किया, नॉर्मल ग्राइंड किया। और ये हमारा मज़ेदार सा जो मैरिनेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ। मैरिनेट करके चिकन को रखने से ये फ़ायदा होता है कि आपका जो चिकन का टेस्ट डेवलप होकर बिरयानी में आता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, या 3 to 4 hours मैरिनेशन टाइम भी एनफ है। ओके गाइस, अब ये जो है प्याज मैंने फ्राई करने के लिए रख दी है, ऑलमोस्ट 1 cup इसमें ऑयल का ऐड किया है, मज़ीद अगर हमें चाहिए होगा तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको इनको फ्राई करेंगे। मीनवाइल यहाँ पे मैंने जो है चावल बॉईल करने के लिए पानी जो है वो बॉइलिंग के लिए रखा हुआ है, अब इसमें मैं इन्ग्रीडियंट्स डालती हूँ। अभी साथ ही हमारे प्याज जो हैं ये फ्राई हो रहे हैं। अब इसमें मैं जो डालूँगी ऑयल, मेन एक टिप ये है चावल बॉईल करने के लिए, अगर आप इसमें ऑयल डाल देंगे 2 tablespoon, उससे ये फ़ायदा होता है कि चावल जो है वो आपके लगते नहीं हैं, खिलते हैं, और चावल जो है टूटते भी नहीं हैं। और एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया था कि नमक जो है वो मैं इसमें 2 से 2.5 चम्मच डालूँगी, तो वो मैं इसमें 2 से 2.5 चम्मच डाल रही हूँ। होप सो इट्स विजिबल, क्योंकि ये बॉयल चुके आ रहा है तो स्टीम की वजह से कैमरे पर इफेक्ट होगा। काफ़ी ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसमें टोमेटो प्यूरी, टोमेटो पेस्ट सारा ऐड कर दूँगी।
और इसके अलावा जो लहसुन अदरक का पेस्ट बच गया था वो सारा इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसको हम अच्छा सा भून लेंगे सो दैट ऑयल जो है वो सरफेस पे आ जाए, और इसके बाद हम मैरिनेट हुआ हुआ चिकन इसमें डालेंगे। अब ये देखिए हमारा जो बैटर है काफ़ी अच्छी तरह भून गया है, और जो लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल है वो भी इसमें से चली गई है, और ऑयल जो है वो भी सरफेस पे आ गया है, ऑयल अलग हो चुका है। मीनवाइल राइस की ये पोजीशन है, इस कंडीशन में है ऑलमोस्ट ये जो है वो बॉयल हो चुके हैं, क्योंकि बिरयानी में 3/4 बॉयल करने होते हैं, तो बस राइस को अब ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब मैं इसमें चिकन का वो सारा जो बैटर मैंने सारा मैरिनेशन की हुई थी वो सारा ऐड कर दूंगी। मैरिनेशन इसके अंदर जा चुकी है, और अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी मीडियम फ्लेम पे। अब देखिए काफ़ी अच्छा जो है ये मिक्सअप हो चुका है मैरिनेट डालने के बाद, और इसकी शक्ल भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसको आपने अच्छा सा भूनना है सो दैट चिकन जो है वो उसके अंदर, एक तो स्पाइसेस ऑलरेडी जा चुके हैं लेकिन और अच्छा टेस्ट आए, और भुनाई के बाद एज यू नो कि बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में जी। तो ये देखें कितना प्यारा ये भुनाई इसकी हो रही है, मैंने थोड़ा सा फ्लेम तेज़ किया है सो दैट ये बहुत अच्छा भुना जाए, और ऑयल ऑलरेडी सरफेस पर आ चुका है, लेकिन मज़ीद मैं इसको भूनूंगी। और चावल जो हैं वो हमारे बॉयल हो चुके थे, और मैंने इसमें से पानी ड्रेन कर लिया, और चावल कम इसलिए लग रहे हैं बिकॉज़ मैंने ये इसमें से आधे निकाल लिए हैं जो दूसरी लेयर के लिए यूज़ होने हैं, और ये नीचे वाली लेयर के लिए चावल मैंने रेडी कर दिए हैं जी। तो ये चिकन ऑलमोस्ट हमारा बिल्कुल बहुत अच्छा रेडी हो चुका है, और इसको मैंने टेस्ट भी किया, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। अब हम जो है वो लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। राइस मैंने एज़ यूजुअल आपको दिखाए थे पहले, और इसके अलावा मैंने ये कुछ धनिया कटा हुआ और लेमन कटे हुए रखे हुए हैं, और ये मैंने राइस कलर को घोल के रखा हुआ। अब हम चिकन जो है वो ऐड करना शुरू करेंगे। चिकन हम इस तरह ऐड करेंगे, अब बस हम इसको 15 मिनट्स के लिए दम पे लगाएंगे, और फाइनल शेप शक्ल जो है एंड के एंड पे जो इसकी बन के आती है वो आपको दिखाएंगे। अब व्यूअर्स ये देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी बिरयानी जो है वाइट और येलोइश कलर के साथ रेडी है। तो व्यूअर्स तो ये हमारी बिरयानी की फाइनली शेप है जो आपको नज़र आ रही है, बहुत मज़ेदार यमी सी। उसके साथ आप अपनी मर्ज़ी का जो भी सैलेड चाहते हैं, ज़ीरा रायता मुझे पसंद है मैंने वो बनाया है, सादा दही जिसको पसंद है, और अपनी फेवरेट ड्रिंक के साथ इसको एंजॉय करें सर्दियों के सीज़न में। और ये देखें मुझे इसके कलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये डिलीशियस बनी है। होप सो आपको ये बिरयानी ज़रूर पसंद आएगी, और ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसे ही बनी, और इसके अलावा लाइक भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।